हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अलजेब्रा के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सवाल है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 64, ए बी 8, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम अलजेब्रा का एक फार्मूला लगाएंगे। एक इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64 दे रखा है, तो यहाँ 64 लिख देंगे। ए प्लस बी नहीं दे रखा है, हमें निकालना है, तो ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस 2 इंटू ए भी दे रखा 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। फिर 64 इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16। अब ये माइनस 16 इधर आ जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, तो 64 प्लस 16 इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 64 प्लस 16 ये 80 हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट 80 ए प्लस बी। तो 80 का रूट निकालेंगे तो यहाँ 80 का एलसीएम कर देंगे, तो 240, फिर 220, 210, फिर 2 से लगाएंगे 5, तो ये आ गया 2225। ठीक है, तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और ये अनपेयर है 5। तो जो पेयर है उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें से एक 2 निकलेगा, एक इसमें से 2 निकलेगा, तो 2 जो 4, तो 4 रूट 5। तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 4 रूट 5। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।